अखिल भारतीय व्यापारी स्वराज पार्टी के तत्वावधान में समाजवादी विचारक चिंतक सांसद स्वर्गीय मोहन सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में किया गया। इस मौके पर वर्तमान राजनीतिक परिवेश में समाजवादी आंदोलन की भूमिका एवं जिम्मेदारियों विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा, प्रोफेसर अनंत मिश्र, नवल किशोर नथानी सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा तथा विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय मोहन सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक महान समाजवादी चिंतक बताया। चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं कि जो जमीनी तौर पर जुड़े हुए थे, गरीबों के मसीहा थे, चोरी बेईमानी उनके आगे पीछे भी नहीं भटकती थी। हमने देखा कि सादगी का नाम होता था बाबू मोहन सिंह जी, और जो भी उन्होंने आंदोलन उठाया, चाहे छात्र राजनीति में आंदोलन उठाया, चाहे राजनीति में आंदोलन उठाया, चाहे पार्टियों में कोई आंदोलन उठाया, बहुत बखूबी उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था। हम लोगों में के बहुत करीब, बहुत बाग में बहुत करीब हम लोग के साथ उनका रहने का मौका मिला। भाई ए के सिंह जी, भाई राधेश्याम सिंह जी, जब भी कभी वो आते थे तो कभी डाक बंगले में बड़े वीआईपी रेस्ट हाउस में नहीं रुकते थे। उनको पार्टी का मतलब नहीं होता, संबंधों को निर्वाह करते थे। वो कहते थे कि नहीं, हम यहाँ पर ऊपर नहीं जाएंगे, हमारा विनोद राय पीआर केस कार्यालय है, वही नीचे ही बैठेंगे। और ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन कमरा खोलते थे, वो एकदम सादगी का एकदम वैसा हम अपने लाइफ में मैंने नहीं देखा। और वो बड़ा काम, वो इतनी बड़े पूरे एक कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया, वहां भाई हमारे बीच में नथानी जी भी थे, भाई राधेश्याम सिंह जी थे, बड़े भाई एके सिंह जी भी थे, तमाम लोग उपस्थित थे वहां पर। पूरे देश के बड़े लीडर, टॉप लीडर, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर रहे हो, सारे लोग गोरखपुर, अरे नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सबसे मिलने का सौभाग्य उन्होंने दिलवाया, और रूबरू होकर के बात करने का मौका मिला। जहां बैरिकेडिंग रहती है लोगों के लिए बात करने के लिए, वहां सब लोग आसानी से, न कोई गड़ा थे, न कोई राइफल था, न कोई बंदूक थी, और उस बीच में हम लोगों ने अपनी बातों को सहजता से, हम लोग अपने नजदीक में जिसके लिए टाइम लेना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग नजदीक से हम लोग बैठ करके साथ में, जैसे समरसता लोग कहते हैं ना कि जो छोटा बड़ा गरीब अमीर, वहां देखने को मिला कि सब लोग एक तरह से, जैसे विदेशों में कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई ऐसे सब लोग लाइन से जो काम होता है वो सब लोग एक तरह से, एक नियम कानून होता है, उसी तरीके से वहां उस कार्यक्रम में ये देखने को मिला कि सारे लोग जो उपस्थित थे सबसे मिल सकते थे, सबसे बात कर सकते थे, सबसे नाश्ता कर सकते थे, साथ में बैठ करके नाश्ता और पानी पिए, और हम लोगों ने उनको वोट दिया, इसलिए मैं बराबर उनको अपना नेता मानता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब रात में करीब 10 बजे उन्होंने मुझे फोन किया, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उस स्नेह की प्रतिपूर्ति की जाए और उन्हें 5वीं तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में हूँ, इसलिए मैं बात विश्वविद्यालय से ही शुरू करना चाहता हूँ। मोहन सिंह जी ने अपने अंतिम दिनों में, जब राज्यसभा के सदस्य थे, तो विश्वविद्यालय ने 2 करोड़ रुपया बहुउद्देशीय सभागार के निर्माण के लिए सांसद नियुक्त किया। तो
गोरखपुर के बहुत लोग नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। जो बड़े पदों पर पहुंचे हुए लोग हैं वो विश्वविद्यालय को अपमानित करने में लगे हुए हैं, और जो विचार करने वाले लोग हैं वे विश्वविद्यालय को सम्मानित करने में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मेरी जानकारी में किसी सांसद ने किसी विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपया एक साथ दिए, और उन्होंने हमारे सांसद से कहा था कि ये इसका 2 करोड़ का काम पूरा हो जाए तो मैं उसके बाद और अपनी निधि से और पैसा मैं सांसद निधि से विश्वविद्यालय को दूंगा। विचारक भी थे और जो नेता भी थे और जो सड़क के कार्यकर्ता भी थे, मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ।